हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या ही चीज है जो सिंपल भी और कॉम्प्लिकेटेड भी है। देखिए, बहुत बार हमारी लाइफ में कई सारी हार्डशिप चल रही होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होती है, जिसकी वजह से कई बार आपने अपने पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाई हो या फिर किसी बुद्धिमान व्यक्ति को अपने बारे में बताया हो और उसने आपको कोई उपाय बताया हो। अब वो उपाय है, रेमेडी है, या फिर आप अपनी हीलिंग किसी से करवा रहे हैं। हमारे पास भी कई लोग आते हैं हीलिंग के लिए और हम उनकी हीलिंग जब करते हैं तो स्पेशली बोलते हैं कि मुझे आपकी तरफ से सिर्फ आपका विश्वास चाहिए। अब वो विश्वास क्यों चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, विश्वास होगा तभी वो रेमेडी, वो उपाय, वो हीलिंग आपके ऊपर असर करेगी, अन्यथा वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, वो प्रोसेस बहुत लंबा खींच जाता है। कई बार होता है कि हीलिंग कहाँ 6 महीने में ख़त्म होनी चाहिए थी, कहाँ उसके 2-2 साल भी लग जाते हैं या 1 साल लग जाता है। वो क्यों लग जाता है? क्योंकि आप अपना विश्वास नहीं देते। अब इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ये बहुत ही पुरानी बात है। एक तमिलनाडु में एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वो ब्राह्मण जो थे पाठ पूजा बहुत अच्छे से किया करते थे, पर उनसे कभी गलती से कुछ पाप हो गया। अब जब उनसे वो पाप हो गया तो उन्होंने भी बहुत से बुद्धिमान व्यक्तियों से इस बारे में विचार विमर्श किया कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये पाप हो गया, तो मुझे इसके ऊपर क्या करना चाहिए, इस पाप का निवारण कैसे होगा। तो जो वहाँ के बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो वहाँ के बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने उनसे कहा कि आपको 5 वर्ष तक, यहाँ 5 साल तक गंगा नदी के किनारे जाकर भगवान शिव की आराधना करनी होगी, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वो पाप जो है वो धुल जाएगा। अब वो पंडित जी को, वो ब्राह्मण देवता को ये मालूम नहीं था कि गंगा नदी कहाँ पर इतना मालूम था कि तमिलनाडु से अगर वो उत्तर की दिशा की तरफ चलेंगे तो वहां जाके उनको गंगा नदी मिलेगी। अब वो बेचारे उत्तर की दिशा की तरफ चल पड़े। जब उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े तो वहां पर जाके उनको एक आगे नदी मिली। वो वहीं पर डेरा लगा के बैठ गए और वहां पर जाके उन्होंने भगवान शिव की उपासना करनी शुरू कर दी। कुछ 1 से 2 साल बीतने के बाद वहां पर एक और ब्राह्मण मिले, जिन्होंने उनसे बात की और उनसे पूछा कि आप ये जो पूजा कर रहे हो, मैं आपको रोज देखता हूँ पूजा कर रहे होते हो, तो भगवान शिव की पूजा किसी प्रयोजन की वजह से कर रहे हो? तो उन्होंने अपनी गाथा बताई कि ऐसे ऐसे मुझसे पाप हो गया था और मुझे मेरे गाँव के या फिर मेरे शहर के जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि अगर मैं गंगा किनारे जाकर भगवान शिव की उपासना करूंगा तो मेरा वो पाप धुल जाएगा। ऐसे में वो ब्राह्मण, जो दूसरे ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको बताया कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये तो गंगा नदी है ही नहीं, आप तो दूसरी नदी पे बैठे हैं। तो उनको लगा कि ओहो, ये मैंने क्या किया। उन्होंने फिर भी कहा कोई बात नहीं, भगवान शिव की पूजा ही तो की है, मैं और आगे चलता हूँ, मैं जाके गंगा नदी के किनारे जाके दोबारा बैठूंगा। तो वो और उत्तर दिशा की तरफ बढ़े। जब उत्तर दिशा की तरफ बढ़े तो ऐसे ही आगे जाकर भी उन्होंने नदी आई, वहां बैठ गए, किनारे पे बैठ गए और उन्होंने पूजा शुरू कर दी। भगवान शिव की पूजा करते रहे और बस निस्वार्थ भाव से बस पूजा करते रहे, यही सोचते रहे कि कभी ना कभी तो मेरे पाप धुल ही जाएंगे। ऐसे ही कुछ साल करने के बाद फिर उन्हें मालूम पड़ा कि जिस नदी के किनारे पे वो बैठे हैं वो भी गंगा नदी नहीं। तो उसके बाद भी वो हताश नहीं हुए, उन्होंने अपना प्रयोजन छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब मैं और उत्तर दिशा की तरफ चलता हूँ और आगे जाकर मैं गंगा नदी के किनारे बैठकर वहां पूजा कर लूंगा। और आगे बढ़ने पर वो एक और नदी के किनारे आकर बैठ गए और वहां बैठ के भी उन्होंने पूजा करनी शुरू की। जब वहां पर कुछ सालों तक वो पूजा करते रहे तो कहीं किसी से ठोकर लगने की वजह से वो गिर गए और नदी में डूब कर वो मर गए। तब तक उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि जिस नदी के किनारे पे वो बैठ के पूजा कर रहे थे वो भी गंगा नदी नहीं। पर मृत्यु के बाद जब वो यमलोक में गए तो यमलोक में चित्रगुप्त जो थे वो वही खाता लिखते। अब चित्रगुप्त ने यम देवता को बोला कि इन यजमान से, इन ब्राह्मण देवता से कुछ गलती हुई थी, बहुत बड़ा पाप हो गया था, जिसका के निवारण करने के लिए इन्होंने 12 साल तक गंगा नदी के किनारे पर बैठकर भगवान शिव की पूजा की है, इसलिए इनके जो पाप है वो निरस्त हो गए। ऐसे में वो जो ब्राह्मण थे वो खुद ही बोले कि नहीं भगवान, ये ऐसा नहीं हुआ, मैं कभी गंगा नदी के तट तक पहुंच ही नहीं पाया, मैं तो जिस नदी में बैठता था वो गंगा नदी होती नहीं, और जब मैं गंगा नदी में जाकर भगवान शिव की पूजा ही नहीं कर पाया तो फिर तो मैं पापी हूँ, मुझे तो नर्क में जाना चाहिए। तो ऐसे में चित्रगुप्त ने बताया कि आपकी क्योंकि नीयत ऐसी थी, आपका विश्वास ऐसा था कि आप गंगा नदी के किनारे बैठकर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और वो भी निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो इसलिए सारे समय को माना जाएगा
कि आप गंगा किनारे बैठकर ही पूजा कर रहे हैं। तो जब एक ब्राह्मण जो गंगा नदी तक पहुंचा ही नहीं और फिर भी दूसरी नदी के किनारे बैठकर इस विश्वास पर कि वो गंगा नदी के किनारे पर बैठा है और वहां पर पूजा कर रहा है, तो उसका पाप धुल सकता है, तो फिर आपकी प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं हो सकती? आपकी जो दिक्कतें हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रगल चल रही है, वो ठीक क्यों नहीं हो सकती? आप अपनी हीलिंग तो करवाते हैं, पर अगले महीने अगर आपको, मान लीजिए कि अगर आपको 6 महीने का बोला गया है कि आपको 6 महीने तक अपनी हीलिंग करानी है, आपको ये रेमेडी करनी है, आपको ये उपाय करना है, आपको ये दान पुण्य करना है, और आप पहले महीने में ही अपने सारे पेशेंस को खोकर कहते हैं कि आप पहले हमसे बात कीजिए, पहले हमें बताइए क्या हो रहा है, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इस बात को समझिए कि ये जो किया जा रहा है ये आप ही के लिए किया जा रहा है। जो आपके लिए कर रहा है वो तो सिर्फ आप ही के लिए कर रहा है, जो आपकी हीलिंग कर रहा है, जो आपके उपाय कर रहा है, या फिर जो आपके लिए पूजा कर रहा है, वो तो आप ही के नाम से कर रहा है। वो अपने नाम से तो कर नहीं रहा, आप ही का संकल्प लेके कर रहा है। जो आपके लिए इतना संकल्प कर रहा है तो वो आपसे मांग क्या है? सिर्फ आपका विश्वास। और अगर आप ऐसा बोलेंगे कि हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे नहीं, या हम उपाय नहीं करेंगे, तो फिर आप किसके लिए नहीं करेंगे? अपने लिए नहीं करेंगे। इस बात को समझिए कि ये कहना कि हम आगे ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, आप ये मत सोचिए कि कोई पैसे के लिए आपके साथ कर रहा है। हो सकता है आपकी हीलिंग जो हो रही है या फिर आपके लिए जो पूजा की जा रही है उसमें उस करने वाले का कोई भी लाभ ना हो, कोई भी ऐसा प्रयोजन ना हो कि मैं ऐसे पैसे बनाऊँ। वो जो भी आपसे पैसे ले रहा है सिर्फ सामान के, सामग्री के लिए पैसे ले रहा है। पर अगर आप ये सोचते हैं कि वो आपसे पैसे के लिए काम कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। आप उसे विश्वास ही नहीं दे रहे, आप उस हीलिंग के अंदर से, उस पूजा के अंदर से, उस उपाय के अंदर से वो विश्वास का एलिमेंट ही निकाल देते हैं। तो विश्वास ही नहीं होगा तो फिर वो कैसे आपको फल होगा? इसलिए ध्यान दीजिए कि जब भी आप किसी से अपनी हीलिंग करवाएं, जब भी आप अपनी कोई पूजा करवाएं, जब भी आप अपना कोई उपाय खुद करें, तो प्लीज पूरे विश्वास के साथ कीजिए कि हाँ, मैं इस विश्वास के साथ कर रहा हूँ और ये मेरा प्रयोजन पूरा जरूर है। तो बस आज की वीडियो में आपसे यही कहना चाहूंगा, बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत से लोग पूजा भी करवा लेते हैं, हीलिंग भी करवा लेते हैं, उपाय भी कर लेते हैं, पर वो विश्वास नहीं रखता और फिर बाद में कहते हैं कि इसका असर तो कुछ दिख नहीं रहा, इस फायदा तो दिख नहीं रहा। फायदा तभी दिखेगा जब आपका विश्वास हो। बीच में अगर आप पेशेंस अपना लूज कर देंगे तो डेफिनेटली आपको कोई फायदा नजर नहीं आएगा, वो आप उतना ही पीछे चले जाएंगे। जब वो पंडित जी नदी किनारे ना पहुंच कर किसी और नदी के किनारे बैठकर भगवान शिव की पूजा करके भी पाप मुक्त हो सकते हैं, तो फिर आप अपना विश्वास रखिए। दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, उसके कर्मों पर छोड़ दीजिए। वो डेफिनेटली आपके लिए काम अगर कह रहा है करेगा तो जरूर करेगा। तो बस मेरा आज का यही आपको कहना था, अगर आप कोई भी पूजा कराएं, कोई भी हीलिंग कराएं, या कोई भी आप उपाय करें या करवाएं किसी से, तो प्लीज उसमें पूरा विश्वास रखें और तभी आपको फायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप समझ पाए होंगे कि हमें कैसे अपनी हीलिंग या पूजा या फिर उपाय करने चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को आप फॉलो कीजिए, और ज़्यादा रेमेडीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पर रेमेडीज़ भी आती हैं, तो आप रेमेडीज़ भी देख सकते हैं। कुछ रेमेडीज़ आपके किसी न किसी काम की ज़रूर होंगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और आप ऐसे ही मरते हमेशा जुड़े रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। बाय।